हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। तो आज हम जा रहे हैं, मैं अपने लिए मोबाइल ख़रीदने जा रही हूँ, मतलब कम ही बजट में। देखते हैं रेडमी 11 प्रो लेते या रेडमी 10 लेते। तो शॉप पे जाके पता चलेगा कौन सा बेटर है, और बजट की भी बात है तो मैं उसका भी रिव्यू शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल कन्फर्म नहीं हुआ है कि मैं खरीदूँगी, तो चले मेरे साथ पहले दुकान में जाके देखते हैं कि मेरे बजट में होता है कि। तो अभी मैं एटीएम में आ चुकी हूँ, आप देख सकते हो ये बाहर का व्यू है। तो एटीएम के अंदर मैं अभी बस 5000 उठा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ कैश पड़ा है 10-15 हज़ार का। तो मेरे पास कैश पड़ा था, हम सोचे कि अगर शॉर्ट पड़े तो इसलिए रिक्स नहीं लेना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ले लिया 5000 अकाउंट से। और यार मत पूछो, मैंने जो पॉपअप हुआ ना आज, क्या बताओ आपको। मतलब मोबाइल का बारे में नहीं बोल रही हूँ, दूसरे बारे में बोल रही हूँ। आप पूरा वीडियो देखते जाओ तब आपको पता चलेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो मतलब थोड़ा सा साइड गांव साइड में रहते हैं, उनको एटीएम से पैसा वैसा निकालना नहीं आता है। तो अगर आप चाहते हो तो मेरे कमेंट में, मेरे इनबॉक्स में कमेंट करो, मैं उसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आपको अच्छे से सिखा दूँगी, ठीक है। तो मैं फाइनली पहुंच गई मोबाइल के शॉप में। तो काफ़ी सारा मोबाइल उन्होंने मेरे को दिखाया वैरायटीज़, क्योंकि मेरे को ना बैटरी वाला बहुत पसंद है, जिसका बैटरी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मैंने जो अभी लिया है इसका 6000 mAh का बैटरी है, मतलब मज़ेदार बैटरी है। तो उन्होंने बहुत सारा मोबाइल दिखाया है, तो मैंने लास्ट में रियलमी C25S वाला चूज़ किया है। तो इसका प्राइस वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये ओपन कर रहे हैं, तो कैमरा सही से ही है, मैं इसका डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बस आप देखते जाओ। तो लास्ट में मेरे को यही पसंद आया और मेरा बजट में भी था, क्योंकि यार मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं बहुत सारा मतलब 30-40 हज़ार का मोबाइल लूँ, है ना। बजट के अंदर ही लिया है मैंने। C25S ठीक ठाक ही है। तो हम लोग घर पहुँच गए है। तो घर पहुंचने के बाद मैंने आप लोगों के साथ सोचा थोड़ा सा इसका रिव्यू दे देती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसका बैक कवर आप देख सकते हो, लाइट स्काई कलर का है, और इसके अंदर मेरे को एक चार्जर मिला जो है 18 वाट का फर्स्ट चार्जर। और बैक में आपको एक फिंगर स्कैनर भी मिल जाएगा, 18 वाट का फास्ट चार्जर है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी भारी है और मोबाइल भी काफ़ी ज़्यादा भारी है, क्योंकि इसका जो अंदर का बैटरी है ना वो 6000 mAh का बैटरी है, तो शायद थोड़ा सा बड़ा है बैटरी, इसके लिए मोबाइल थोड़ा सा आपको वेट ज़्यादा लग सकता है। तो ये काफ़ी मतलब ये मॉडल ये नहीं कि नया है, 6-7 महीने 1 साल हो ही गया। तो पीछे 3 कैमरा देख सकते हो, 8+2+2, पीछे एक फिंगर स्कैनर भी मिल जाएगा, और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल मिल जाएगा। और ये है अंदर का कुछ, आप देख सकते हो मोबाइल का अंदर, आप को तो पता ही है कैसा क्या है क्या नहीं है, इसका रिव्यू और क्या दूँ। वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो ठीक ठाक है बैटरी वगैरह, लेकिन मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगा कि कैमरा अगर थोड़ा सा और अच्छा होता ना, तो मतलब इसके प्राइस के अनुसार थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था मतलब कैमरा। तो ये देखिए कैमरा, बैक कैमरा ठीक ठाक लगा, लेकिन फ्रंट कैमरा अगर थोड़ा सा सही होता तो और भी मज़ा आ जाता। फ्रंट कैमरा ऑन करके मैं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। तो मैंने वीडियो बनाया, आप देख लो, मेरे इंस्टाग्राम में जाके मैं दे रही हूँ लिंक, ये देख लो मेरा वीडियो। तो पूजा SH मोटिवेशन करके है, आप देख सकते हो, तो आप जाके फॉलो कर लो और देख लो। तो अगले दिन मैं रात को शूट किया, क्योंकि उस दिन मैं पूरा बिजी थी। तो अगले दिन रात को मैं तैयार व्यार होकर चश्मा लाने गई, जो मैं चश्मा बनाने दिया था ना, तो उन्होंने फ़ोन किया कि आप आके ले जाओ। फिर हमें तैयार व्यार होके गई चश्मे के दुकान में, फिर हम लोग बहुत मजाक मस्ती कर रहे थे, ये हमारे घर का किरायादार है, तो बहुत सारे मजाक मस्ती कर रही थी, सेल्फी वगैरह ले रही थी, लेकिन इन्होंने ना मेरा जो चश्मे का पावर है पूरा चेंज कर दिया, और पहनने के बाद पूरा शेकी शेकी हो रहा था। फिर मैं दूसरे दुकान में जाके दिखाया तो उन्होंने बोला कि यार पूरा गलत चश्मा दे दिया। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा सीन क्रिएट हुआ, वहाँ पर पैसा वैसा रिटर्न ले लिया। यार क्या बोलो, पूरा लेफ्ट राइट का जो पावर है ना पूरा चेंज कर दिया उन्होंने, मतलब यार कितना गंदा है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से लेना, हाँ, जिस दुकान में भी बना। क्या ढूंढ रही है तू, क्या ढूंढ रही है? चश्मे। क्या करेगी, फैशन? एक एक करके चेक कर लिया इधर, देख टूट जाएगी तो फिर लेने का देना, देख ले, रख दे रख दे, और मत पकड़, हट जा यहाँ से। तो एक चैनल पे देखिए, हम चश्मे का दुकान पे आई, तो बहुत सुंदर सुंदर चश्मा आया, बहुत सुंदर। तो मैंने पूजा जी ने एक ने चॉइस किया। अच्छे से बोल, हिंदी थोड़ा जोर से बोल, तनिक सुनाई नहीं देगा। हाँ,
हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो ये चैनल पे देख रही हो, हम लोग चश्मे का दुकान पे आई। चश्मे बुझा दीजिए का आप नष्ट है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, तो इसके लिए एक चश्मा लेना आई। तो इसके लिए हम लोग दो काम करेंगे, दो पूजा दीदी के लिए एक चश्मा लेंगे और उसका मम्मी के लिए एक चश्मा लेंगे और तेरे लिए सनग्लास। तेरा सनग्लास दिखा दे। नहीं, ये देखो पैकेट पे पॉकेट दिखा, पहन के दिखा दे। दिखाती नहीं, मैं दिखाती। ओके फिर चले, बाय बाय। तो आप लोग कहीं से भी बनाना, थोड़ा सा अच्छा सा दुकान देख के बनाना, ठीक है। तो गाइस, आज आपने देख ही लिया कि मैं दिन में पोपट हो चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ, तो रात को शूट नहीं कर पाई, तो सुबह उठ के व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। तो आशा करते हो व्लॉग आपको पसंद आई होगी, लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।